बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस दौरान जहां आम जन को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो वहीं दमोह जिले के पटेरा में शराब की तस्करी की जा रही है। पटेरा के भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने एक युवक को भारी शराब के साथ पकड़ा, जिसे बाद में संगठन के सदस्यों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दुकान से शराब निकालकर इसे गांवों में सप्लाई के लिए भेजी जा रही थी। बता दें कि दो दिन पहले ही एक आरक्षक को शराब के साथ पकड़ा गया था। पटेरा ब्लॉक में दारू हर गांव में हर मोहल्ला में बिक रही है। हमारे भगवती माना कल्याण संगठन के कार्यकर्ता रात रात जग थे, वो दारू पिलाने पकड़ा थे। और ऐसे ही आज घटना सवेरे 4 बजे पटेरा कलारी में नीचे से तो तारा लगो, लेकिन ऊपर से तारा खोल के और जी एक एक बब्बा बेटी निकाल के पूरे क्षेत्र में दारू बेच भी जा रहे हैं। और हमारे आज सवेरे 4 बजे फिर से दारू की 3 पेटी मुकेश रजक के हाथ सामने पकड़ी है और 2 कलारी वाले और भाग गए, जो हमारे शब्द में जुड़े जो लोग भाग गए। मानव कल्याण समिति द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति शराब लेकर मोटरसाइकिल से अवैध रूप से जा रहा है। जो सूचना पर अड्डा के पास देसी कलारी के सामने मोटरसाइकिल रोक कर चेक किया तो एक प्लास्टिक की बोरी में 89 पाव देसी मसाला शराब के एवं 45 पाव सादा शराब के लिए पाया गया, जो अवैध रूप से लिए जा रहा था। जिसके नाम पता पूछा तो उसे अपना नाम मुकेश रजक बताया एवं उसकी एक मोटरसाइकिल जब्त की।